अब हम पढ़ेंगे नेत्र दोष एवं उनका निराकरण। तो आई डिफेक्ट्स क्या होते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ या चोट लगने की वजह से या फिर आंखों में तनाव की वजह से या नेत्र लेंस की पारदर्शिता कम हो जाने से या लचीलापन कम हो जाने की वजह से आंखों में कुछ दोष आ जाते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, इसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, और ये दोष होता क्यों है? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण ये दोष होता है, और इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए जरूरी होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना से पूर्व बन जाता है, पहले ही बन जाता है, इसलिए धुंधला होता है, स्पष्ट नहीं होता। जैसे ये हमारी आंख है और ये इसमें लेंस है, नेत्र लेंस। जब कोई समानांतर किरण पुंज इसमें से पास होगा तो प्रतिबिंब बनना तो चाहिए रेटिना पर, लेकिन इस दोष में रेटिना से पहले ही बन जाता है, और यहां प्रतिबिंब अगर बनेगा तो वो धुंधला ब्लर्ड होगा, धुंधला प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम काम में लेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को डाइवर्ज करता है। तो आंखों के आगे अगर अवतल लेंस लगाएंगे तो किरणों को डाइवर्ज करेगा और किरणें रेटिना पर फोकसित होंगे, प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उचित क्षमता का, उचित शक्ति का अवतल लेंस यूज लेंगे। नेत्र के आगे अवतल लेंस लगा देंगे, कॉनकेव लेंस लगा देंगे। कॉनकेव लेंस क्या करता है? किरणों को डाइवर्ज करता है। ये जैसे समानांतर किरण पुंज आ रहा है और नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, किरणों को डाइवर्ज करेगा, फोकसित करेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, क्लियर इमेज बनेगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है नेगेटिव, और इसकी शक्ति भी क्या होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा दोष होता है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, और इस दोष को दूर करने के लिए हम उचित क्षमता का उत्तल लेंस काम में लेंगे, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। उसको रेटिना पर बनाने के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उत्तल लेंस काम में लेंगे, जो किरणों को अभिसारित करके प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो जैसे ये हमारी आंख, इसमें नेत्र लेंस, ये रेटिना, समानांतर किरण पुंज इस दोष में, प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए कैसा होगा? धुंधला होगा, ब्लर्ड होगा। तो
तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आंखों के आगे उत्तल लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस किरणों को कन्वर्ज करता है, तो ये किरणों को थोड़ा कन्वर्ज करेगा अपवर्तन के पश्चात। ये नेत्र लेंस, ये भी उत्तल होता है, ये फिर से किरणों क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और रेटिना पर इनको फोकसित करेगा। तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, इमेज क्लियर बनेगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव धनात्मक होती है, शक्ति भी धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यदि कोई व्यक्ति +1D क्षमता का चश्मा लगाता है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो शक्ति कैसी है इसकी, धनात्मक दे रखी है। धनात्मक शक्ति किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। उत्तल लेंस किसमें यूज करते हैं हम, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो व्यक्ति को कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। तीसरा दोष होता है जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जरा जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, तो यह वृद्धावस्था का दोष होता है। तो इस दोष का कारण क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस की, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का घट जाना होता है, क्योंकि वृद्धावस्था में नेत्र लेंस का लचीलापन घट जाता है, जिससे उसके तलों की वक्रता को अधिक नहीं बदला जा सकता। तो इस दोष में क्या होता है, न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो ये है जरा दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नीचे की तरफ तो होता है उत्तल लेंस और ऊपर की तरफ होता है अवतल लेंस। तो ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनमें से अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष का जस्ट अपोजिट क्या है, दूर दृष्टि दोष है, और इन दोनों का मिला जुला क्या है, जरा दृष्टि दोष है। निकट में तो क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की साफ दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की साफ दिखाई देती, निकट की साफ दिखाई नहीं देती। और जरा दृष्टि दोष में न तो व्यक्ति को पास की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की साफ दिखाई देती है। फोर्थ आई डिफेक्ट होता है दृष्टि वैषम्य या एस्टिगमेटिज्म। तो दृष्टि वैषम्य में क्या होता है, व्यक्ति समान दूरी पर स्थित क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता, या समान दूरी पर स्थित क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इस दोष का मेन कारण होता है कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता, तथा इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस उपयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। क्षैतिज रेखाएं इस प्रकार इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को समान दूरी पर स्थित क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। पांचवा दोष है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। तो इस दोष में क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ
नेत्र लेंस की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और उसका लचीलापन कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। तो इस रोग के निवारण के लिए क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन कराना पड़ता है, जिसमें जिसके दो विधियां हैं। एक तो है मोतिया निकालकर, जिसमें मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटा दिया जाता है, और इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को मोटा एवं गहरे रंग का चश्मा लगाना पड़ता है। दूसरा होता है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। इस विधि में क्या करते हैं, मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर उसके स्थान पर आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, जिसे इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। इस टेक्निक में पीड़ित व्यक्ति को मोटा चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और चीरा भी कम आता है।